ये सारे पटाखों का टेस्टिंग है जो बारिश में करने वाले हैं, पानी के अंदर करने वाले हैं। देखेंगे कि हमारे ये सारे पटाखे हैं जलते हैं या नहीं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सांप की गोलियाँ हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डायमंड है, तो डायमंड भी देखेंगे कि पानी में जलते या नहीं, बारिश में जलते या नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेलवे लाइट सिग्नल वाला ये कुछ अनार जैसा है, इसका भी टेस्टिंग करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्मॉल फ्लावर पॉट्स है, इसका भी टेस्टिंग करेंगे, ये दोनों को ही जला लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चक्रिया है, कुछ बड़े साइज की चक्रिया है, इस चक्रियों का भी टेस्टिंग करेंगे। रेड वाली यहाँ पर फुलझड़ी है हमारे पास, तो रेड वाली जो फुलझड़ी है इसका भी टेस्टिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हंटर है, हंटर का टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेंसिल्स है, इस पेंसिल का भी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर बीडी बम है जो पानी में फूटता है, वो बम है। फिर पॉपअप है बड़े वाले, इसका टेस्टिंग करेंगे। कलर स्मोक है, इसका टेस्टिंग करेंगे। और जो भी हम पटाखे जलाएंगे वो हम फुलझड़ी से जलाएंगे, ये नॉर्मल वाली, तो इसका भी टेस्टिंग कर लेंगे, वो देख लेंगे कि ये भी पानी में जलते या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉपअप को ट्राई करके देखते हैं कि ये पानी में फटते या नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉपअप, तो इस पॉपअप को हम टेस्टिंग करेंगे इस पानी के अंदर, देखेंगे हमारे पॉपअप है जो फटते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पानी है जो भरा हुआ है, तो इसके अंदर हम पॉपअप को मार के देखते। पहले पानी के बाहर में आपको मार के दिखाता हूं, तो आप देख सकते हो। अब पानी के अंदर मार के दिखाता हूं मैं आपको, तो पानी के अंदर भी आप देख सकते हो फट रहा है, अच्छे से फट रहा है पानी के अंदर भी हमारा पॉपअप, पर थोड़ा जोर से मारना पड़ता है। चलिए अब हम टेस्टिंग करते हैं सांप का। तो दोस्तों अब हम इस सांप को जला के देखते हैं कि हमारे सांप है कैसे जलते हैं। तो हमने कागज के ऊपर सांप को रख लिया है, तो जिससे कि सांप थोड़े से गीले ना हो जाए। तो अब जला के देखते हैं हमारी फुलझड़ी की मदद से। तो हमारी फुलझड़ी नहीं जल रही है, कोई बात नहीं, सांप को हम लाइटर से जला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सांप काफी अच्छे से जल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इस डायमंड को जला के देखते हैं। तो ये फुलझड़ी है जो फट गई थी बीच में, कोई बात, हम लाइटर से इस डायमंड को जलाएंगे, तो थोड़ा इसका रैपर है जो निकाल देंगे, तो ये आसानी से जल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, तो चलिए इसको जला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ये जो सारे पटाखे जला रहे हैं वो पानी के अंदर जला रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वो सब हम बारिश के चालू बारिश के में पटाखे जला के दिखाएंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट पटाखे के ऊपर जाते हैं। तो इस हंटर का टेस्टिंग करते हैं। तो हंटर तो जल रही है, तो हमने यहाँ पर है जो रेलवे लाइट सिग्नल है ये भी हमने लगा दिया, आप देख सकते हो, तो इसको भी जलाएंगे। तो रेलवे लाइट सिग्नल है, इसको जला के देखते हम। तो ये बुझ गई है और जल गई। पर हमने चक्री भी जला दी है और वो भी पानी के अंदर जल रही है और घूम भी रही है अच्छे से। अब हमारे पास यहाँ पर ये अनार है, तो इस अनार को जला के देखते हैं। तो हमारा अनार भी काफी अच्छे से जला है। तो हमारे पास यहाँ पर और एक अनार है, तो इसको हम जला के थोड़ी सी फ्लेम निकलेगी, उसके बाद हमें पानी के अंदर डाल देंगे, देखेंगे ये कैसा चलता है। तो अभी मैं डालता हूं और देख सकते हो पानी के अंदर भी ये काफी अच्छे से जल रहा है। तो चलिए और एक चक्री को जला के देखते हैं।
तो काफी अच्छा जला है हमारी ये चक्री। तो हमारे पास यहाँ पर पेंसिल है, तो पेंसिल को भी जला के देखते हैं। तो हमने दोनों पेंसिल को कुछ इस प्रकार से रख दिया है, तो इस हंटर की मदद से हम पेंसिल को जला के देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर रेड वाली ये फुलझड़ी है, इसको जला के देखते हो। लास्ट में हम कलर स्मोक को जलाएंगे, तो सबसे पहले चलिए इस रेड वाले फुलझड़ी को जला के देखते हैं। और आप देख सकते हैं रेड वाली काफी अच्छे से जल रही है। तो काफी बढ़िया जल रही है हमारी रेड वाली ये फुलझड़ी, आप देख सकते हैं। काफी अच्छे से जल रही है। तो चलिए अब इस कलर स्मोक का भी टेस्टिंग करते हैं यहां से ही। और यहां पर से हमारा कलर स्मोक है जल गया है। तो हमारा ये येलो पिंक कलर का भी यहाँ पर कलर स्मोक देख सकते हो, काफी बढ़िया कलर स्मोक निकल रहा है। तो देख सकते हो येलो और पिंक काफी बढ़िया कलर स्मोक निकल रहा है। और हमारे यहाँ पर तीसरा भी कलर स्मोक ब्लू कलर के अंदर है ये, अब देखते हैं ये भी कैसा चलता है। ब्लू कलर भी काफी बढ़िया जल रहा है। तो काफी बढ़िया जला हमारा ये ब्लू वाला भी कलर स्मोक। चले तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वन तक ले। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब भी जरूर से करना। चले तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वन तक ले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये हमारे पास एक जादुई चीज है, तो अब देखो कि पहले ये चीज कैसी है। इस चीज को देख के आपको मजा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा वोल्केनो जैसा हो रहा है। इसके अंदर भी देख सकते हो थोड़ी आग भी निकलती है और पूरा ज्वालामुखी हो वैसा लग रहा है ये। और ये काफी लंबे टाइम तक जलता है, जितना आप ये ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा ये जलेगा। तो देख सकते हो कितना औसम लग रहा है दिखने में। अगर इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा तो ये पूरा ऑरेंज कलर के अंदर बदल जाएगा, जो ऑरेंज कलर जैसा मैंने पहले डाला था पूरा वैसे बदल जाएगा।